आज के टाइम पे मोबाइल से फोटोज हर इंसान खींचता है, लेकिन प्रोफेशनल क्वालिटी की फोटोज खींचना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तो ये सीरीज मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किया है, जहाँ पे मैं आपको मोबाइल फोटोग्राफी के बेसिक से लेकर एडवांस तक A to Z हर एक चीज के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा। कैसे आप एक अच्छी फोटो खींच सकते हैं, कैसे एक अच्छी कंपोजिशन बना सकते हैं और कैसे उन फोटोज को अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी। तो अगर आप मोबाइल फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो ये सीरीज स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो इस सीरीज की सबसे पहली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ऑटो मोड से हटके मैनुअल मोड पे या फिर प्रो मोड पे फोटोज खींच सकते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो उनके मोबाइल में कैमरा है बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन आ रहा है या तो उसमें फोटो खींचते हैं या फिर जो उनका हाईएस्ट कैमरा का ऑप्शन मिलता है जैसे 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, उस ऑप्शन पे जाके बस फोटोज खींच देते हैं। लेकिन आपके मोबाइल के मैनुअल मोड में इतने सारे फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप अगर अच्छे से सीख जाएं तो आप एक DSLR से भी बेटर फोटोज खींच सकते हैं। तो इस सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 ऑप्शंस की जो आपकी फोटोग्राफी के सबसे 3 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ISO, अपर्चर और शटर स्पीड। अगर आपके मोबाइल में मैनुअल मोड नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके कोई भी थर्ड पार्टी कैमरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ मेरे मोबाइल में Redmi K20 Pro। सबसे पहले बात करते हैं फोकस की और अपर्चर की। ये जैसे आप फोन में देखेंगे मैनुअल मोड में या प्रो मोड में तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा F का। F आपका जो है फोकस के लिए यूज होता है। अब मान लो आपको कोई क्लोजअप शॉट लेना है किसी चीज का तो आप फोकस का स्लाइडर है उसे आप नीचे की तरफ खींच सकते हैं। अगर आपको किसी दूर की चीज को फोकस में रखना है तो आप स्लाइडर को आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। आपको स्क्रीन में ऑप्शन भी दिख रहे होंगे कि क्लोजअप शॉट के पास एक फूल का ऑप्शन बना हुआ है, मतलब किसी छोटे सब्जेक्ट की फोटो के लिए, और दूर की तरफ के लिए आपको एक माउंटेन का ऑप्शन दिखेगा कि काफी बड़े सब्जेक्ट को फोकस में रखने के लिए। आप स्लाइडर को जैसे ही आगे पीछे करेंगे आपको फोकस भी चेंज होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका फोन ज्यादा पुराना मॉडल का है या फिर लो बजट का है काफी ज्यादा, तो हो सकता है कि आपके फोन का ये जो स्लाइडर हो अपर्चर का, ये ज्यादा काम करता हुआ ना दिखे आपको, तो उसमें आपके हार्डवेयर की कमी है। आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ठीक है, लेकिन जो आपका हार्डवेयर है हो सकता है वो कैमरा आपका वो अपर्चर ज्यादा वेरिएबल ना हो उसके। अब बात करते हैं शटर स्पीड। S नाम से ऑप्शन दिखेगा आपको मोबाइल में। शटर स्पीड बेसिकली डिसाइड करती है कि आपको जिस चीज की फोटो लेनी है वो कितनी ब्लर होगी या कितनी शार्प। अब मान लो जैसे मुझे कोई फोटो लेनी है किसी भागते हुए इंसान की या कूदते हुए इंसान की, शटर स्पीड जो है इंक्रीज करनी पड़ेगी मुझे ताकि हमारी फोटो जो है एकदम क्लियर हो और ब्लर ना रहे। शटर स्पीड इस तरीके से काम करती है कि मान लो मैंने शटर स्पीड का जो ऑप्शन है वो 1 सेकंड पे सेट कर दिया, जब भी मैं फोटो के लिए क्लिक करूंगा तो जो कैमरा का शटर है वो 1 सेकंड के लिए खुला रहेगा और वो 1 सेकंड में बंद होगा, और 1 सेकंड तक आपका हाथ भी स्टिल नहीं रहता, तो जिस वजह से कैमरा हिलता है और फोटो आपकी ब्लर हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी कैमरा शटर स्पीड को 1/125 या फिर 160 से नीचे करें तो एक ट्राइपॉड का यूज हमेशा करें। अब तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास ISO। ISO आपकी फोटो में एक ब्राइटनेस का काम करते हैं बेसिकली। आप मान लो रात के समय फोटो खींच रहे हो या फिर किसी ऐसी जगह फोटो खींच रहे हो जहाँ पे लाइट कम है, तो आप अपने फोन की ISO बढ़ा सकते हो। इससे आपकी फोटो में ब्राइटनेस तो आ जाएगी, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि आपकी जो फोटो में जितना ISO आप बढ़ाओगे उतने ज़्यादा नॉइस आपको देखने को मिलेंगे, उतने ज़्यादा गेंस आपको देखने को मिलेंगे, और जितने गेंस होते हैं उतनी ही फोटो की क्वालिटी हमारी ख़राब लगती है, ऐसा लगता है कि फोटो जो है फटी हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा ISO बढ़ाने पे हमें काफ़ी ज़्यादा नॉइस देखने को मिलता है और फोटो क्वालिटी हमारी उतनी ही ख़राब होती जाती है। तो एक बैलेंस हमें देखना पड़ता है 100, 200, 400, 800 ISO, कितने ISO तक हमारी फोटो जो है शार्प हमें दिख रही है। तो अगर हमें शार्प फोटोज लेनी है तो हमें कम ISO में शटर स्पीड बढ़ा के और हमारे अपर्चर को मैनुअल सेट करके, फोकस को सेट करके मैनुअल मोड पर फोटोज खींचनी है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखोगे आपको बहुत जल्दी इस चीज़ की आदत हो जाएगी और आप कभी ऑटो मोड पे वापस नहीं जाओगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप एक फोटो की अच्छी कॉम्पोजिशन बना सकते हो, क्योंकि कॉम्पोजिशन एक अच्छी फोटो का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप फोटो की कैसी भी सेटिंग्स रख लो, जब तक आपका फ्रेम अच्छा नहीं है तब तक आपकी फोटोज अच्छी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्पोजिशन के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप वो चाहते हो जल्दी देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आपके आंसर दे दूंगा साथ के साथ। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।